Hi everyone and welcome to my channel. In today's video, I'm sharing notes and explanation of skill development. So let's get started. So skill development क्या होता है skills की development करना ठीक है तो अब skills जब भी develop होते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं यहाँ पर ना हम सारा कुछ organization में firms में बात कर रहे हैं ठीक है कि firms के अंदर skill development कितनी ज़्यादा beneficial होती है तो skills develop करके ना दो benefits मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट मिलता है कि उनके पास ज़्यादा स्किल्ड एम्प्लॉज़ हो जाते हैं राइट दूसरा वर्कर्स को भी बेनिफिट होता है क्योंकि उनके कुछ स्पेसिफ़िक स्किल्स गेन हो जाते हैं अब अगर वर्कर्स के कुछ स्पेसिफ़िक स्किल्स गेन होंगे तो क्या होगा उससे उनको प्रोफेशनल कैरियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा उनको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इम्प्लॉयज़ को ठीक है और इससे क्या होगा लॉन्ग टर्म में उनकी अर्निंग बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं नेक्स्ट अब एस डी जो स्किल डेवलपमेंट है ये फोकस करता है किस पे कि एम्प्लॉय के टैलेंट और स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है इसका गोल होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इंडिविजुअल्स को जहाँ पे वो जॉब्स भी कर सकते हैं काम भी कर सकते हैं पैसा भी कमा सकते हैं और स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं ठीक है अब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना उससे अलग होता है ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर ना लाइक uh, like आपको स्किल डेवलपमेंट तो सिखाया जाता है लेकिन स्किल डेवलपमेंट के अंदर आपको प्रॉपर जो जॉब जहाँ पे आप कर रहे हो ना एक एरिया दिया जाता है स्किल डेवलपमेंट के अंदर उसी एरिया के अंदर आपको स्किल्स डेवलप करने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर स्किल सिखा दिए जाएंगे आप उनको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो बट स्किल डेवलपमेंट में द एम एट एक्वायरिंग स्किल्स एट एक्चुअल इन्वायरमेंट रियल इन्वायरमेंट में आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो न्यू ट्रेंड्स ऑफ एच आर एम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नया ट्रेंड क्या है एच आर डी विच इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ एच आर एम एच आर एम का ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट है ये क्या मानता है कि ह्यूमन बींग्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नेक्स्ट अप इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हैं एच के ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट किसकी होगी ह्यूमन बींग्स की होगी ना सो इसलिए गिव्स पीपल अ चांस टू ग्रो एच क्या है एक लोगों को चांस देता है ग्रो करने का आ, लोगों पे ट्रस्ट करना Uh, सिखाता है कैसे इन्वॉल्व रहना सबके साथ उस पर फोकस करता है स्ट्रेंथ पे फोकस करता है लोगों की और वीकनेसेस को ठीक करने में हेल्प करता है इंटीग्रेट नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू स्ट्रैटेजिक गोल्स इंडिविजुअल्स के जो पर्सनल गोल्स हैं उनको वो स्ट्रैटेजिक गोल्स में लाइक uh, मिक्स like करने की कोशिश करता है ताकि दोनों के गोल्स एक साथ ही पूरे होते जाएँ प्रोसेस क्या है एच का ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ की हेल्प की जाती है इस तरीके से हेल्प की जाती है कि वो ये ये सब कर सके क्या कर सके कैपेबिलिटीज को शार्पन कर सके अपने इनर पोटेंशियल को ढूंढ सके एक एक ऐसा कल्चर बना सकते हैं जहाँ पे टीम वर्क है रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एच के फीचर्स देख लेते हैं एच एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर इंटर डिपेंडेंट सब सिस्टम्स हैं सब सिस्टम्स कैसे जैसे प्रोक्योरमेंट है प्रेजल है उन सब के अंदर लोगों के डेवलपमेंट होती है राइट प्लान वे ऑफ नर्चरिंग वर्कफोर्स वर्कफोर्स को प्ला अच्छे तरीके से नर्चर करने का अच्छा तरीका है आर डी इनवाल्वस डेवलपमेंट एट पर्सनल ग्रुप लेवल पर्सनल लेवल पे भी इंसान की डेवलपमेंट होती है ग्रुप लेवल पे भी इंसान की डेवलपमेंट होती है एम्स एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इम्प्लॉयज़ इम्प्लॉइज़ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिलता है सो या दैट्स इट फॉर द डे इज़ आई रियली होप कि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा आपके लिए एंड आई सी यू सून बाय